लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर ट्विटर पेज News36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। प्रदेश के राज्यसभा सीट पर कांग्रेस द्वारा अपन प्रत्याशी के नाम करी गई घोषित। महिला कांग्रेस नेता फूलो देवी नेताम और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसीला बनाए गए छत्तीसगढ़ ले उम्मीदवार। हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कोरोना फैले के खबर ले मचीस हड़कम। कैंपस के 900 छात्र मंडला दे गई 10 दिन के अनिवार्य अवकाश। कैंपस खाली करे बर जारी करे गई आदेश। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाए वाले त्रिवेणी संगम धर्म नगरी राजिम के मुख्य सचिव करी दौरा। राजिम नगरी के धार्मिक पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यता के संगे संग छत्तीसगढ़ शासन कति ले राम वन गमन पथ के विकास पर राजिम के करे जाना है विकास। रायपुर में जिला बल के एक जवान पेड़ ने लटक के कर ली आत्महत्या। जवान हां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पहुंचे रही ट्रेनिंग पर डिप्रेशन में आके आत्महत्या करे के जताए गए है आशंका। वन विभाग द्वारा एनएमडीसी ला नोटिस समाये के बाद एनएमडीसी के सीईओ मांगिस 30 दिन के समय। राज्य सरकार प्रबंधन ला भेजे रही सो काज नोटिस। एक हफ्ता में जवाब दे में एनएमडीसी प्रबंधन जता है असमर्थता। बजट में शिक्षा कर्मी मन के संविलियन के ऐलान के बाद 13 मार्च के पंचायत विभाग कति ने जिला पंचायत सीओ मंडला बैठक पर दे गई निर्देश। पंचायत मंत्री सिंहदेव लिही बैठक संविलियन समेत विभाग के करे जाही समीक्षा। राजधानी में रेप के मामला में फंसाए की धमकी देकर वसूली करिया 5 आरोपी मंडला पुलिस करीस गिरफ्तार। एक महिला और 4 युवक मामला में रहीन शामिल। पांचों महिला महिला द्वारा पीड़ित के 2 भाई ला रेप केस में भेजे गए हैं जेल। और पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल के ओएसडी रहे आरके कश्यप और सर्वेयर राणा प्रताप सिंह ला पुलिस करीस गिरफ्तार। कई बच्चर पहले रतन जोत के मसला ऊपर 1 करोड़ ने ज्यादा के घोटाला ऊपर करे गए गिरफ्तारी।